अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको एक तारीखी शहर टैक्सला ले जाएंगे। टैक्सला एक तहजीब का नाम है और गंधारा तहजीब का सबसे बड़ा मरकज था। टैक्सला लफ्ज बेसिकली इंग्लिश के लफ्ज टैक्सासिला से अखज किया गया है, जिसके मतलब है कि सिटी ऑफ कट स्टोन। यहाँ की खास बात यहाँ के खंडरात हैं, जो सर जॉन मार्शल ने मिड 19 में मंजर आम पर लाए हैं। टैक्सला रावलपिंडी का तहसील और सूबा पंजाब में वाक़ है। ये शहर रावलपिंडी से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। शहर में गौतम बुद्ध की तालीमात, यात्रा और वाक़ियात की वजह से ये शहर एक अहमियत का हामिल है। यहाँ आज आपको म्यूज़ियम घुमाएंगे और इसकी तारीख दिखाएंगे। 1928 में कायम होने वाला ये म्यूज़ियम यहाँ पर की जाने वाली खुदाइयों से दरियाफ्त शुदा फन पारों और नवादरात का एक अहम वसी जाम ज़खीरा का हामिल म्यूज़ियम है। मरकजी ऐवान में ज़्यादातर बुद्ध मत दौर के नवादरात रखे हुए हैं और यहाँ पे TDCP टूरिज्म कोच भी चलती है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस एरिया है 1928 में। एक साइड पे यहाँ पे एक बादबान बनाया हुआ है बुद्धा का, समझे कि इसका एक चौकीदार टाइप है, और दूसरी तरफ सर जॉन मार्शल का पोर्ट्रेट लगा हुआ है और इसका कुर्सी और उसके बैठने की जगह था। आगे आप जैसे ही इंटर होते हैं मरकजी हाल में आ जाते हैं। मरकजी हाल में ज़्यादातर बुद्ध मत दौर के नवादरात रखे हुए हैं और आगे जाके फिर राइट और लेफ्ट साइड पे इसके एक एक्सटेंशन हाल भी दोनों तरफ हैं। ये एक टैक्सला शहर का मट्टी से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। ये पानी भी आप देख रहे हैं। ये कीमती पत्थर हैं जो खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जगहों से मिले हैं इसी टैक्सला के आसपास। ग्रीन एजेट है, टच स्टोन है, बहुत कीमती नवादरात हैं, पत्थर हैं। ये मुजस्मे 2 BC से कबल के हैं और तमाम मुजस्मों में आप देख रहे होंगे कि ये मुराकबा कर रहे होंगे। मुराकबे को बुद्धिज़्म के मज़हब में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझा जाता है। ये देखें, ये मुराकबा प्रचार, गौतम बुद्ध बहालत मुराकबा प्रचार। तो मरकज़ी ऐवान में ज़्यादातर मुराकबे रखे हुए हैं। ये एक भामाला से दस्याब शुदा फर्शी कुंडा है और यहाँ पे आप एक बात देख रहे हैं, नीचे जो रखा हुआ है सो रहा है। ये असल में बुद्धा का मतलब कि इस दुनिया से गया है और उसके जो साथी हैं वह समझे कि रो रहे हैं। ये एक तरह से इनका अब भी प्रीचिंग का जगह है। इसके गिर्द ये लोग घूमते हैं और ये जो है एक तरह से इसको हर्मिका कहते हैं। ये एक सीक्रेट बरी ग्राउंड है जहाँ पे अस्थियाँ दफन की जाती हैं। ये ज़्यादातर सर यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी मैं आपको अगली वीडियो में ले जाऊँगा, जब इन खंडरात को दिखाऊँगा तो वहाँ आप देखेंगे उनके सर नहीं होंगे। तो वो सर जो है वो यहाँ पे लाके रखे गए हैं म्यूज़ियम में और उनका जो धड़ है वो अभी भी वहीं पे खंडरात में रखे हुए हैं। ये बड़ा बुद्धा सामने नज़र आ रहा है जो मुराकबा कर रहा है। तमाम बुद्धे जो हैं ये मुराकबा या प्रचार की हालत में हैं। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इनके मज़हब में प्रचार करना। ये एक जो है कंटेनर ऑफ द रिलैक्सेस है जो प्रेजेंट किया है
किंगडम ऑफ थाईलैंड ने 10 अक्टूबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये एक तरफ दीवार है जो इनके कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ के जो खंडरात एरियाज हैं उनकी तस्वीर लगे हुए हैं यहाँ पे। इनको हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके, यहाँ एक ही वीडियो में सारों को करेंगे। मोड़ा है, सरखप है, और भी बहुत सारे हैं जिन तमाम की जो है वीडियो यहाँ तमाम की तस्वीर यहाँ पे आवेज़ा की गई हैं इस गैलरी में। ये जैसे ही आप इंटर होते हैं ये बिल्कुल एरिया सामने की तरफ है। ये शारा रेशम है और शारा कराकरम सिल्क रूट, इन सब पे हम बारी बारी अगली वीडियो में जाएंगे और इनको फिर एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे जाके साइट के ऊपर। और ये दीवार हैं उन वहाँ पे बने हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के दीवार हैं। ये कुछ औजार हैं इस हिस्से में, आप ऐसे समझें कि उनकी जो ज़िंदगी थी उसका एक झलक दिखाया गया है। तो तराजू के ये औजार हैं और आलात जराही हैं, ये औजार हैं, खाने पीने के औजार हैं यहाँ पर, और ये किसानों के औजार हैं, काम करते थे जो वो खेत वगैरह उनके औजार हैं। ये सुनार के औजार हैं, ज़्यादातर यहाँ पे चांदी के बर्तन, ब्रास, कॉपर और सिल्वर इस्तेमाल किया गया है। ये बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन, और ये जो है चक्की है आटा, इसमें से ये बनाते थे। तो ये सामने बर्तन हैं, पानी पीते थे, खाना खाते थे या स्टोर करते थे कोई भी लिक्विड चीज़ को। ये बड़े वेसल्स हैं, यहाँ इनमें तेल है, पानी है, उनको स्टोर किया जाता था। ये तारकोल की एक गाड़ी है, इसमें तारकोल डाला जाता था और इसके पहिए भी लगे हुए हैं। ये एक दीवार में जो लगी हुई है ये आरामी तहरीर है और ये सरखप के एरिया से निकला है। तो व्यूअर्स, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।